Really? तो और क्या, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या हुआ? मेरा चेक आ गया। ओह, वो जिंगल कॉम्पिटिशन वाला। हाँ, और वो भी पूरे 1,00,000 का। वैसे तुम अब करोगे क्या? ओफ, मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं क्या करूँगी, इट्स सो मेनी थिंग्स। क्यों, कितनी लंबी लिस्ट है? पर देखो ना, पहले मैं न्यूयॉर्क जाऊंगी, फिर मैं जब वापस आऊंगी तो गाड़ी लूंगी, और फिर एक सेकंड, 1,00,000,000 का चेक नहीं है, 1,00,000 का चेक है। और हाँ, इतने तो तुम न्यूयॉर्क पहुँच सकोगी, अगे का इंतजाम करके जावी। हाँ, और वैसे भी आप रबर बैंड के लिए परफॉर्म कर रही थी, और आपके अलावा और भी बहुत से लोग हैं बैंड में। हाँ, तो मैं तुम्हें और सरमत को 500 रुपए दे दूंगी। अच्छा, तूर 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 को मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि तूर अपना सर तो फटवा सकता है मगर अपनी जुबान से नहीं फिर सकता पार्टनर। मतलब है खास साहब, आपने राघव बोस के डर से अपना दीवार सर में दे मारा। अबे दीवार सर नहीं, सर दीवार में दे मारा। लाइन तो बोलने सही तरह, फंबल क्यों दे रहा है? मैं डंबल नहीं करता। अबे डंबल नहीं, फंबल कह रहा हूँ। खैर, वैसे ये एक्सट्रीमिस्ट बेवकूफ हरकत किया आपने। एक्सट्रीमिस्ट नहीं, एक्सट्रीमली। ये की बात है, छोड़े। मैं भी ये कह रहा हूँ। खैर, ये बताओ कि तुम्हारी उस दोस्त का क्या हाल है जिसने 1,00,000 रुपए का चेक ही जीत लिया? हाँ सर, हौसला करें, अभी तक चेक ही नहीं आया। मगर मैंने सुना कि चेक कॉलेज पहुंच चुका है। क्या, 1,00,000 रुपए का इनामी चेक कॉलेज आ चुका है? हाँ। तो मैं यहाँ क्या करूँ? अबे सुन तो, अबे मटेरियलिस्टिक लड़के, तुम्हारे जैसे लड़के हैं जो कि शादियों पे नई सिविक मांगते हैं, और मेरे जैसे CD70 पे मान जाते हैं। सर, इस पे साइन कर दीजिए। छोड़ो यार, इस उम्र में निकाहनामे पे दस्तखत करना अच्छा लगे? सर, ये चेक बुक है, निकाहनामा नहीं। 2 सेकंड से ज्यादा मुझे खुश ना रहने देना। इस पे साइन कर दीजिए जी। यहाँ सर, ये चेक तब मैं सारा को दे दूँ? सारा के सारा दे दूँ, और उसको कहना है बहुत एहतियात से, आजकल बहुत डकैतियां हो रही है। जी सर। 2 दफा तो मैंने भी ट्राई करी है जी। कुछ नहीं, देखो सलमान कहाँ है? सर इधर ही होगा। मैंने सलमान खान बनने के लिए लिखा है, देखो खान सर। ओके, निकाहनामा। मगर सलमान हुआ क्या है? नथिंग, फॉरगेट इट। सो देन व्हाई इज ही नॉट टॉकिंग टू मी? कुछ नहीं होता, उसका मूड खराब है जरा। तुम फिक्र मत करो, टेंशन तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। आई नो, मगर तुम क्यों इतने डाउन हो? नथिंग, फॉरगेट इट। टेल मी। मेरी फिक्र मत करो। सलमान, आर यू नॉट माय फ्रेंड? आर यू गोना टेल मी? ठीक है, अगर तुम इतना इंसिस्ट करती हो तो मैं तुम्हें अपना दिल का। हेलो डेव, हाय, आर यू इन न्यूयॉर्क? ओह माय गॉड, एक्सक्यूज मी, आई हैव टू टेक दिस कॉल, आई एम सॉरी। या क्या फायदा हुआ डिप्रेस होने का? मत पूरे 1,00,000 का चेक। और मैं तो कहता हूँ 50 का नोट जरा यहाँ मारे ना। फिर चेक है भाई। एक सेकेंड, मोर इम्पोर्टेंटली, सारा ने एग्री किया है कि ये पैसे सारे बैंड मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, है ना सारा? या या। मतलब ये है कि 25,000 इसके, 25,000 मेरे, 25,000 तुम्हारे, और 25,000 तूर के। तूर और 25,000 तरजी। रेली यार, रेली, क्योंकि ही इज पार्ट ऑफ द बैंड। मगर मेरा अभी भी ख्याल है, ही हैड नथिंग टू डू विद दिस, बट स्टिल ही इज पार्ट ऑफ रबर बैंड। वैसे जी, मामा जी की बात ठीक है, आगे वैसे भी कंपटीशन आ रहा है, और अगर हम लोगों ने कंपटीशन जीतना है तो हम लोगों को यूनाइटेड स्टेट होना पड़ेगा। Exactly. 25,000 में न्यूयॉर्क, क्या मैं 2 बार कराची भी नहीं होके आ सकती? ओहो, तुम मेरे 25,000 ले लो यार। नहीं, मैं अपना 25,000 अपने पास ही रखना हूँ। क्यों, तुमने क्या करना है अपने 25,000 का? इससे क्या करना है, जाके मोबाइल ले आएगा? एक्सक्यूज मी, मेरा दिमाग खराब है कि मैं 25,000 के जाके मोबाइल ले लूं जो अगला 25 सेकंड में चोरी करके भाग जाए? तो फिर क्या करोगे? हाँ सर, मैं अपने पैसे जमा करूंगा। किस चीज के लिए? देखिए जी, कल को हम लोगों ने इंशाल्लाह जब म्यूजिक कंपटीशन जीतेंगे ना, वही 25,000 मैं अपनी वीडियो में लगाऊंगा। ओह रियली? हाउ स्वीट। वीडियो बनवाऊंगा सुहेल जावेद से। 25,000 में सुहेल जावेद का, सिर्फ सुहेल ही आएगा? एक्सक्यूज मी जी, सुहेल जावेद से अपुन के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो असल में उनकी फुफी की चाची के मामे के ताए के बेटे का जो जेठ है ना, वो मेरा मोहल्लेदार है। उसने कहा था कभी भी सुहेल जावेद से काम कराना हो ना, बता देना, घर आके वीडियो बनाएंगे। That's great. तुम मुझे ये बताओ कि वीडियो कैसा होगा? हाँ सब, बड़ा डेडली किस्म का मैंने वीडियो बनाना, बहुत ही डेडली, वो अब्बास अली खान जैसा। कौन सा वाला?
I'm okay. Oh, hey, Sarah. Hey. Congratulations on winning your competition. Hi. You know, excuse me. Hello. क्या हुआ? सलमान तुम इतने चुप? तो क्या गाना गाऊं बैठ के? भाई तुमने मुझे पिछली था ना? Whatever. भाई अगर तुम्हारा रॉक सॉन्ग जजेस को पसंद नहीं आया तो इसमें मेरे क्या कसूर है? एक कंपटीशन जीत. इससे पहले भी हम जीत चुके हैं. Fine. दो कंपटीशन जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता. फाइनल कंपटीशन मैं ही जीतूंगा. बाय द लुक्स ऑफ इट तो नहीं लग रहा. चलो खैर, बाय द वे वो तुम्हारा साइड किक नहीं नजर आ रहा. तुम अपने बैंड की फिक्र करो. हमारा बैंड तो सही है, तुम अपने बैंड की फिक्र करो कि टूट ना जाए. मेरा बैंड टूटे या ना टूटे इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है. और वैसे भी बट इधर उधर क्यों होगा? देख लेना कहीं इधर उधर ना हो जाए. देखो मेरे साथ ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है. कम ऑन सलमान, मैंने तो सोचा था शीरिन को तुमने बैंड में रखी है तो अब तुम्हें तमीज आ गई होगी लड़कियों से बात करने की. वैसे भी यू थिंक मुझे नहीं पता तुमने शीरिन को बैंड में क्यों रखा है. क्यों रखा है भाई? जिस लड़की को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना ना आता हो उसको तो बैंड में रखना बहुत जरूरी है ना. देखो मेरी बात सुनो. क्या बात हो रही है? Nothing, nothing. He was just telling me how happy he is that you've joined his band. I know. Isn't that fantastic? Now I'm a rock star and I'm even wearing a rock star t-shirt. Indeed. अच्छा मैं चलती हूँ. And Salman, best of luck.